अच्छा जी, प्रोजेक्टाइल मोशन का सिक्स नंबर पार्ट है, फिफ्थ नंबर पार्ट है। इससे पहले चार पार्ट ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स हमने स्टडी किया है अबाउट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम। आज इसके पैरामीटर्स पढ़ेंगे। पैरामीटर्स क्या है? तीन पैरामीटर्स है इसमें। नंबर फर्स्ट पैरामीटर क्या है? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल क्या है? मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम समिट पॉइंट भी कहते हैं, उस पॉइंट को हम मैक्सिमम पॉइंट भी कहते हैं, उस पॉइंट को हम पीक पॉइंट भी कहते हैं। अब इसका रिलेशन, इसका मैथमेटिकल फॉर्म किस तरह मालूम करें? तो यहाँ पे देखिए, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक एक प्रोजेक्टाइल हमने मूव किया, ये इसका प्रोजेक्शन पॉइंट है, ये इसका टारगेट पॉइंट है, और ये इसका क्या है? मैक्सिमम पॉइंट है, समिट पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस दोनों क्या है? सेम है, ठीक है। इस पॉइंट पे वेलोसिटीज क्या होगी? ये तो वर्टिकल वेलोसिटी होगा जिसको हम वाई एक्सिस देते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस। तो दो किस्म की वेलोसिटीज है। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मैं लेता हूँ कि वी एफ वाई होगा या और वी आई इन टू वाई होगा। इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? जीरो होगा। अब वी एफ क्या, वाई क्या है? ये भी जीरो है और ये बराबर है किस चीज़ के बराबर है? वी आई इन टू साइन थीटा के बराबर है। ये ऑलरेडी हमने फाइंड कर चुका है, ठीक है। तो रिलेशंस मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला हम यूज करें? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, डेट इज टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। इसकी जगह मैं ये लिखूं कि टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ वाई स्क्वेयर माइनस वी एफ आई स्क्वेयर। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्या लिया है? जीरो लिया है। तो ये क्या होगा? वी आई साइन थीटा होगा। लेकिन यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे दोबारा ये लिखता हूँ कि वी एफ वाई क्या है? जीरो है। और वी एफ आई क्या है? ये बराबर है वी आई इन टू साइन ऑफ थीटा। ए क्या होगा? ये होगा माइनस जी, ठीक है, क्योंकि ए वाई है, ए बराबर है ए वाई के, माइनस जी होगा। और एस क्या होगा? ये होगा कैपिटल एच, मैक्सिमम हाइट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, क्या मिलेगा? माइनस टू जी इन टू एच। माइनस कहाँ से आ गया? जी ए की जगह मैंने माइनस जी पुट किया। और ये टर्म क्या होगा? जीरो स्क्वायर होगा। और ये टर्म क्या होगा? वी आई साइन थीटा इन टू होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? टू जी एच इज इक्वल टू माइनस, ये एक माइनस यहाँ पर है, वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर इन टू थीटा। तो माइनस माइनस ख़त्म हो गया। और h मालूम करना है तो यहाँ पर भी टू जी डिवाइड करें और यहाँ पर भी टू जी डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई टू जी। तो क्या बनेगा? ये आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा h इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी। ये आ गया हाइट। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैक्सिमम कब होगा, यहाँ पे एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। अगर एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो, तो साइन 90 क्या होगा? ये 1 के बराबर है, बराबर है कि नहीं? ये तो साइन 90 1 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 पे स्क्वायर बने लगाए तो क्या बनेगा? 1 ही आ जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगा कि एच मैक्सिमम ये बराबर है किस चीज़ की? वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इन टू जी। अगर वी आई स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 जी की जगह ये वैल्यू लगाए एच मैक्सिमम, तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये हो गया मैक्सिमम हाइट। इसके बाद नंबर सेकंड पार्ट क्या है? वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना टाइम लेता है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द प्रोजेक्टाइल टू अ मैक्सिमम टारगेट पॉइंट, डेट इज कॉल्ड व्हाट? डेट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट,
ठीक है। अब ये हम किस तरह मालूम करें, आप लोगों को बेहतर से पता है फर्स्ट इक्वेशन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड इक्वेशन इसके लिए इस्तेमाल करें, नंबर टू, टाइम ऑफ फ्लाइट एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ पे एस क्या होगा, ये आप लोगों को बेहतर पता है कि जीरो के बराबर होगा। वी आई क्या होगा, ये वी आई वाई होगा, ठीक है। ए क्या होगा, ये ए वाई होगा, ए वाई बराबर है माइनस जी के, और वी आई बराबर है वी आई इंटू साइन इंटू थीटा के बराबर है, ठीक है। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, जीरो इज इक्वल टू वी आई टी, तो वी आई की जगह क्या लगाई, वी आई वाई इंटू टी प्लस वन बाई टू माइनस जी, और यहाँ पे क्या है टी इंटू स्क्वेयर, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, वी आई साइन थीटा इंटू टी आ जाएगा, और यहाँ पे बनेगा माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, क्लियर है। अब यहाँ पे माइनस टर्म है, इस साइड पे आएगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तो लगाई माइनस सॉरी प्लस वन बाई टू जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू टी आ जाएगा। अब देखिए एक टी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब टी को मैं पुट करता हूँ कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, वन बाई टू जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आई साइन ऑफ थीटा बनेगा, ये हो गया वी आई, ये हो गया साइन ऑफ थीटा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वेयर हमने ख़त्म किया है क्योंकि टी टी के साथ ख़त्म हो गया था, क्लियर है। टी मालूम करना है तो ये टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करें और जी डिवीजन में आ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, टी इज इक्वल टू टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, जी बनेगा, क्लियर है। अब इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। देखो एक टाइम ऑफ फ्लाइट है, और वहाँ पे मैंने फर्स्ट वीडियो में अगर आप लोग देखें तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसको कहा था कि एक को हम सबमिट टाइम भी कहते हैं। सबमिट टाइम क्या होगा, इस पॉइंट पे इसका टाइम क्या होगा, देखो तो ये मैक्सिमम पॉइंट है ना, एक यहाँ पे है टी बाई टू, और टी बाई टू, टी बाई टू प्लस टी बाई टू इज इक्वल टू टी बनता है, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू वन बनता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, सबमिट टाइम कहते हैं। तो मैं यहाँ पे सबमिट टाइम के लिए एक इक्वेशन डिराइव करता हूँ। सबमिट टाइम हम रिप्रेजेंट करते हैं टी एंड टू एस से। तो टी एस असल में है क्या चीज, वो है टी डिवाइडेड बाय टू, टी डिवाइडेड बाय टू है ना, तो टी का वैल्यू क्या है, वो यहाँ पे मौजूद है आप लोगों के सामने है, टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, और ये टू अपने जगह पे आ गया कि ख़त्म हो गया। तो टी एस क्या होगा फिर, टी एस होगा वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा, जी बनेगा। अब यहाँ पर देखें, अगर आप टी पे इसका वैल्यू देखें, टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। तो वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, यहाँ पे मैं क्या लगाऊं इस पॉइंट पे, ये क्या बन गया, टी एस बन गया कि नहीं बना, ठीक है। तो मैं क्या लगाऊंगा कि टाइम तो असल क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट ये बराबर है टू इंटू टी एस, या यहाँ से भी कर सकते हैं ना कि टी बराबर हो गया टू इंटू टी एस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज ग्रेटर देन टी एस, जाहिर ही बात है, ठीक है। या टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड बाई सबमिट टाइम, ये ग्रेटर देन होगा किस चीज़ से, वन से ग्रेटर होगा। अगर इस तरह नहीं लिख सकते, यहाँ पे लेके कि टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड बाई सबमिट टाइम, इसका रेशो क्या होगा, ये टू के बराबर होगा। या इसका उल्टा ले लें कि टाइम सबमिट टाइम डिवाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट, ये बराबर होगा किस चीज़ के बराबर होगा, वन बाई टू के बराबर होगा, ठीक है। और इसको उल्टा करें, टी एस डिवाइड बाई टी, तो ये क्या बनेगा, ये लेस देन वन होगा। तो ये क्या है, ये इसका है सेकंड पैरामीटर, कौन सा है, टाइम ऑफ फ्लाइट है।
अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का रिलेशंस क्या है, दोनों में देखें यहाँ पे वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, अगर यहाँ पे हमने कहे वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी, तो ये अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। तो चले चलते हैं कि इन दोनों के दरमियान वो रिलेशंस क्या होगा। ठीक है,